तो आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो नेपाल का एक ऐसा बंदा है जिसने पीएमजीसी के ग्लोबल चैंपियनशिप के बड़े से बड़े प्लेयर्स को मार रखा है। डीआरएस की टीम जो नंबर 2 पे आई थी अभी ग्लोबल चैंपियनशिप में, उसको सिंगल हैंडेडली पता नहीं कितनी बार क्लच कर रखा है। नेपाल का ये प्लेयर स्काईलाइट्स गेमिंग के पबजी मोबाइल के लाइनअप से खेलता है, और एक बार तुमने इसके क्लचेस देख लेना तुम्हारा दिमाग सच में हिल जाएगा और तुम इनको देखना शुरू कर दोगे, क्योंकि इतना कुछ सीखने के लिए इनके गेम प्ले से कि अब जितना देखोगे उतना कम पड़ेगा। तो आइए नजर डालते हैं आयुष लामा उर्फ नो फियर के गेम प्ले पे। सोचो तुम अकेले बच्चे हो अपनी टीम से और तुम्हारे सामने एक गाड़ी में चार बंदे आते हैं, रुक के अपनी गाड़ी एक्सचेंज करते हैं, तो क्या तुम मारने की हिम्मत भी कर पाओगे? अब इसके बाद में थोड़ा सा इनकी मूवमेंट जो है वो चोक हो जाती है, इनकी पीक थोड़ी सी ज्यादा खुली रह जाती है, इनको डैमेज पड़ जाता है, जिसके बाद सिचुएशन है 50 HP पे 1v3 की। अब देखो जरा ये कितना स्टेबल एम और कितनी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में। अब ये बंदा बिना HP लूज करे डाउन कर देते हैं ये, जिसके बाद 50 HP पे 2 बंदे बचते हैं। अब सच सच बताओ, क्या तुमने एक्सपेक्ट भी किया था कि इस पौधे और दीवार के बीच से एंगल निकल जाएगा, और वो भी इतना बढ़िया कि एक गोली खाए बिना एक और बंदा डाउन कर देंगे? अब इसके बाद यहाँ पे इजी हीलिंग करते हैं, लेकिन तभी बंदा मुंह पे कूद जाता है, फिर इसके बाद देखो कैसे मारते हैं। जो इन्होंने बेट करा वो क्या तुमने देखा, पहले आगे गए, इन्होंने देखा कि बंदा अंदर चला गया तो ऐसे दिखाया कि राइट जा रहे हैं, लेकिन तुरंत वापस घूम गए, जिससे बंदा बेट हो गया, कवर छोड़ के सीधा बाहर निकल आया। अब इसके बाद में इनके 2 बंदों पे 4 बंदों का रश आता है, जिसमें से एक बंदे को तो ये सीधा आने से पहले ही गिरा देते हैं। और इसके बाद जो आप देखो यार, खुद ही मेरे कहने के लिए कुछ है ही नहीं। तो भाई लोग, मैं तुमको मिलाना चाहता हूँ Redmi बाबा गेमिंग से। ये बंदा 3 साल से वीडियो बना रहा है, लो एंड डिवाइस पे, वो भी इसका डिवाइस है Realme 5 Pro, और इतनी ज्यादा स्ट्रगल करता है ये बंदा कि सुबह से लेके दोपहर तक ये दुकान पे काम करता है, और उसके बाद शाम से लेके रात तक का टाइम ही अपना खेलने में और एडिट करके वीडियोस डालने में लगाता है। डिवाइस में जो लैग है ये आप साफ साफ देख सकते हो, लेकिन इस बंदे के एम में कहीं पे भी कमी नहीं आती। ये बंदा पूरी वीडियोस अपनी शॉर्ट क्लिप से भर देता है, जहां पे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसी क्लिप्स होती हैं कि आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। चाहे कार स्प्रेज हो, चाहे क्लोज रेंज हो, चाहे लॉन्ग रेंज के स्प्रेज हो, ये बंदा मिट्टी से खेलकर सोना बना देता है। तो अगर तुम लोग लो एंड डिवाइस वालों की स्ट्रगल को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो इस बंदे को जरूर से चेकआउट करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पे रश करके ऑलरेडी 2 बंदों को मारा था, जिसके बाद इन पे 4 लोग एक साथ में और रश करते हैं, तो देखो किस तरीके से संभालते हैं। अब क्योंकि इन्होंने इन लोगों को रश करने से पहले ही अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, तो उनके रश करने से पहले ही इन्होंने मॉली उठा ली, और ये एक मॉली देखो कितनी ज्यादा काम आने वाली है। इनका साउंड सेंस देखना, क्या टाइमिंग पे मॉली करी है, और ये एक मॉली सारा खेल पलट देगी। ये ड्रॉप शॉट देखो, इन्होंने इंस्टेंटली सेंस कर लिया था कि सामने वाला जंप शॉट देने वाला है, और इसके बाद ये देखो यार रिफ्लेक्स। ये मॉली की टाइमिंग इतनी खतरनाक थी कि तीसरा बंदा भी इसमें पकड़ा जाता है, वो भी ऐसे बच्चों की तरह नॉक होता है, और चौथे बंदे के लिए एंगल देखो यार। इस बंदे ने लेजिट इन चारों बंदों को एक गोली खाए बिना गिरा दिया जब इन्होंने इसके ऊपर रश किया था। और फिर पीएमजीसी में जो टीम सेकंड आई थी, डीआरएस नेपाल की ही टीम है वो भी, इस बंदे ने उनको इतनी बार सिंगल हैंडेडली पेला है, जिसमें से एक ये वाला क्लच मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, जिस डोमिनेशन से मारा है। तो आप ये वाला देखिए, इनकी टीम के 3 बंदे होते हैं जिसमें से एक तो रश करने में ही मर जाता है, 2v3 की फाइट होती है जिसमें से एक इनका टीम में दूर होता है, तो देखो कैसे हैंडल करते हैं। पिछले वाले क्लच में एक मॉली ने सारा कोर्स पलट दिया था फाइट का, इसमें एक ग्रेनेड पलट देता है। पहला पहला पहला
सामने DRS जैसी टीम को भी इस तरीके से इसने मारा है, केवल एक ग्रेनेड की बदौलत। और आखिरी बंदे को भी देखो कैसे भगा भगा के मारता है। उसके बाद अगर ये तुमने 1v7 नहीं देखा ना सैनहॉक में इस बंदे का, तो यार कुछ भी नहीं देखा। ये पहला बंदा नॉक कर देने के बाद में इसके ऊपर बहुत तगड़े तरीके से बंदे चढ़ते हैं, और इसमें खास बात ये थी कि इस बंदे के पास में यहाँ पे नीड भी नहीं थे, और बंदे DBS लेके रश करते हैं इसके ऊपर। ये मेरा गाड़ी है ना, क्यों गाड़ी का था? अब ये दोनों को मारने के बाद में ये DBS उठा ही रहे होते हैं कि मुंह पे फिर से 4 बंदे आ जाते हैं पूरे। अब DBS को ये ऐसे यूज करता है कि ये जो लाइन देख रहे हो ना, इसको लेफ्ट राइट यहाँ से करा करा के DBS से बंदे चारों के चारों ये फोड़ देता है। अभी इस बंदे को स्कोप खोल के मार दिया पूरा, फिर अब लेफ्ट साइड में थे तो राइट साइड में कूद के आ जाते हैं और यहाँ पे रिलोड करते हैं गन। अब ये देखो यहाँ से ट्राई करते हैं कि दीवार से बंदा चिपक रहा होगा, तो क्या पता ग्लिच से ही गोली लग जाए। अभी सबसे क्रूशल चीज ये थी कि ये वाला दरवाजा बंद है, तो ना तो बंदे आ सकते थे और ये ना खुद जा सकते थे, तो अगर बंदा रिवाइव कर रहा है तो उसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो उसको देखो कैसे ललचाते हैं ये। ये जंप देखी, आगे गए, वापस आ गए बंदे को साउंड देकर, जिससे कि बंदे को लगा कि ये रश कर रहे हैं, और देखो क्या बेट हुआ वो। ये बंदा इतना अंडररेटेड है कि यार तुम लोग अगर देखोगे तो तुम्हें भी पता चलेगा इसका क्लोज रेंज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तुम खुद बताओ कितनी बार तुमने ऐसी क्लोज रेंज फाइट्स में जहां से 3 बंदे सामने सामने आ रहे हैं 3v1 वाली फाइट में 3 बंदों को हारते हुए देखा है। और कुछ क्लचेस तो इस बंदे के इतने ज्यादा एफर्टलेस रहते हैं, जैसे कि ये देखो, एक बंदे को उतार दिया, फिर DBS ली, दूसरे बंदे को मारा, फिर राइट से गाड़ी आती है, एकदम कैजुअली उसको एक शॉट लगता है DBS का और 1v3 हो जाता है सेकंड्स में। और ये तो तुम अभी क्लोज रेंज फाइट से देख रहे हो, एक बार इसके स्प्रेस पे नजर डालो। केवल 4 सेकंड्स, 26 गोलियां, 2 बार स्प्रे ट्रांसफर और 3 बंदे डाउन। उसके बाद देखो ये वाली ट्रेसिंग, उसके बाद ये स्प्रेज, और ये वाले स्प्रेज भी थे PMPL साउथ एशिया की लॉबी के। और इसके बाद ये डैमेज जो अंदर आओ करता है ना यार, बहुत ही ज्यादा स्मूथ रहता है। ये वाले क्लचेस पे नजर डालो जरा, इस बंदे की स्कोप ओपनिंग इतनी ज्यादा स्मूथ है यार कि मतलब सामने से 3 बंदे आ रहे थे, उनको नॉक भी किया, फिनिश भी किया और एक गोली भी नहीं खाई। और इतनी प्रेशर सिचुएशन से भी इतना सही दिमाग लगाता है ये बंदा, जैसे इसने देखा अब गाड़ी इसके चारों तरफ घूम रही है तो उसको देख देख के चारों तरफ घूमता रहा और फिर इतना सटीक नेड मारता है। उसके बाद में एकदम जोनाथन वाली मूवमेंट देता है बंदा, जहां से लेफ्ट जाके पूरा राइट जाता है, फिर दोबारा से लेफ्ट जाके पूरा राइट जाता है। बैंग।
और अब एक शैक में बैठ के पूरा बंदी फ्री कर देता है। अभी यहाँ पे स्मोक करके बंदे को स्पॉट करता है। उसे मारने के बाद में इन्हीं के टीम में एक पेटी से नेल उठा के स्मोक करके नेल करके एक और बंदे को भी मार देता है। और सही में बहुत ज्यादा इनका चिकन और ये तो कुछ छोटी छोटी चीजें मैंने नोटिस कर ली। इसके इतने सारे क्लिप हैं और मैं इतने इजीली इसको एक्सप्लेन कर पा रहा था कि इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं करता है कि ऐसा लगता है कि क्लिप करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं स्ट्रॉन्गली